वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज कर दी तुम सारी चढ़दी कला चे हो गए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो रिसेंटली मैंने रिवॉल्यूशन प्रोसेस की वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रखे थे। काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, कितने टाइम लग जाता है, प्रोसेस करने में कितने दिन लगते हैं, और ACCN SEC के सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं रिवॉल्यूशन के लिए। सो काफ़ी क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। सबसे मेनली बुरी चीज़ यही है रिवॉल्यूशन की कि कोई स्टूडेंट अच्छी तरीके से अपना पेपर दे के आ रहा है, स्टिल वो 1000 रुपये दे रहा है ना, अपने पेपर को दोबारा चेक करा रहा है। तो ये काफ़ी हद तक अनफेयर है स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके पीछे क्या है इनकी मंशा, ये वो ही जाने दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। इवैल्यूएशन सबसे पहले कोई करवाएगा तो क्यों करवाएगा, इसके दो मेन रीज़न है। पहला, अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पेपर दे के आया है बट स्टिल उसके स्कोर अच्छे नहीं आए हैं उस सब्जेक्ट में, तो वो रिवैल्यूएशन करवा सकता है। सेकेंडली, कि वो इतना तो करके आया है कि उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे बट उसको फेल कर रखा होता है उस सब्जेक्ट में, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन के लिए बेसिकली ये चार डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एडमिट कार्ड, दूसरा आता है आपका मार्कशीट, तीसरी आती है आपकी रिवैल्यूएशन फॉर्म। सो रिवैल्यूएशन फॉर्म आपको अच्छे तरीके से फिल करना होता है, और उसके बाद आपके कॉलेज में ही आपको देना होता है। कॉलेज में जब आप देते हो तो काफ़ी कॉलेजेस अच्छे हैं जो कि आपको हाथों हाथ, मतलब विद इन 1 आवर और विद इन हाफ एन आवर में आपको प्रिंसिपल के स्टैंप एंड सिग्नेचर करके आपको फॉर्म आपका दे देंगे। बट काफ़ी कॉलेज ख़राब है, जैसे मेरा कॉलेज है, वो एक दिन लेता है इस प्रोसेस के लिए, तो टाइमिंग थोड़ी डिले कर देते हैं। सो रिवैल्यूएशन का प्रोसेस में आपके मेनली आप रिवैल्यूएशन 15 डेज में करवा सकते हो। जैसे कि आपका रिजल्ट 11 तारीख को आया है तो आपके पास 25 तारीख तक का टाइम है जब तक आप अपनी रिवैल्यूएशन सबमिट करा सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टार्टिंग के दिनों से ही स्टार्ट करने लग जाओ, मतलब इनिशियल डेज पे। जैसे आपको पता है कि 15 डेज़ के अंदर आपको ये प्रोसेस अपना कंप्लीट करना है, तो मेक श्योर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको नॉर्मली आपके पास PDF इनके पड़े होंगे और ये आपको अपने एडमिन ऑफिस में सबमिट करना है। इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन प्रोसेस में फ़ी कितनी लगती है। सो 1000 इसकी फ़ी है, बट अगर आप देखो, अगर ये आप खुद से पेमेंट कर रहे हो तो 1000 है, बट अगर आप साइबर कैफ़े के थ्रू ये पेमेंट करोगे तो वो आपसे 250 चार्जेस लेते हैं, जो कि बिल्कुल बेकार में आप दोगे। सो बेस्ट है कि आप पहले पेमेंट कर दो, जैसे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से मिल जाए, एडमिन ऑफिस से, उसके बाद आप पेमेंट कर दो और फिर उसके PDF डाउनलोड करके आप किसी भी साइबर कैफ़े से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो कि बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। इट्स बेटर कि आप पेमेंट खुद से करें, और जो इसका पेमेंट मोड है वो UPI नहीं लेता। सो बेसिकली आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है फ़ी की, जो कि ईजी रहती है आप खुद करोगे तो। मैंने अपना प्रोसेस किया था तो मैंने खुद से की थी, सो काफ़ी इजी प्रोसेस है। सो फी पेमेंट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी लीनियंट प्रोसेस है इसका, इजीली आप खुद से कर सकते हो। और काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो फ़ी सबमिट करने की सोचते हैं ऑनलाइन, कि चलो हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से हम कर देंगे। तो कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है और सर्वर भी अच्छा नहीं चलता इंटरनेट में, तो मेक श्योर कि आप पहले से ये चीज़ें करके रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। स्टूडेंट को थोड़ी और क्लैरिटी देने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ से मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बना रखी है कि कहाँ से आप जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो आपको एनवलप कहाँ से लेना है और काउंटर नंबर 1 पे आपको जाना है, टाइमिंग। सो मेक श्योर आप थोड़ा जल्दी पहुँचें वहाँ पे, क्योंकि वो लोग एक तो ना बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, जैसे लंच टाइमिंग है वहाँ पे नोटिस बोर्ड में तो लिखा हुआ है 1 बजे से 1:30 तक। सो 1 PM टू 1:30 PM का टाइम है, पर वो लोग 1 से 2 बजे तक का लंच करते हैं, और कभी कभी तो 2:10 भी बज जाते हैं। मींस 1 PM टू 2 PM तक वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे गर्मी में, आप वहाँ पे खड़े रहोगे क्यू में बहुत लंबी, एंड ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे। सो मेक श्योर आप पहले पहुंचो, जैसे कि 10 बजे वो खुल जाता है तो 10 से आप 12 के बीच वहाँ पे पहुंच जाओ, तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। थोड़ा टाइमिंग मैनेज करके चलना, एंड हमेशा ये ध्यान रख के चलना कि जितनी जल्दी आप रिवैल्यूएशन का प्रोसेस कराओगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। लास्ट डे में अगर आप सोचोगे कि आपके पास 1 दिन बचा है या 2 दिन बचा है तब आप करोगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि कभी भी कुछ भी कॉलेज वाले इशू कर सकते हैं, या सर्वर डाउन हो सकता है, या कुछ भी इशू आ सकता है। तो मेक श्योर कि 15 डेज, मतलब ये नहीं कि लास्ट के दिनों में आप जाओ, मेक श्योर आप
पहले के दिनों में स्टार्ट कर. एंड सेकेंडली मैं आपको ये कहूँगी कि रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम लेता है. इसमें आपके 3 मंथ्स लग जाते हैं और इसमें आपको कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी होती. जो आपका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. तो जहाँ से आप मार्कशीट अपनी डाउनलोड करते हैं वहीं से आप डाउनलोड करनी है आपको, एंड वहाँ पे आपके जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे. तो कहीं आपको टेंशन लेने की, कहीं भी आपको भागा दौड़ी नहीं करनी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवैल्यूएशन में आपके सेक और AECC के जो सब्जेक्ट हैं इसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रिवैल्यूएशन फॉर्म नहीं भरना है. ये आपको अपने कॉलेज से ही रीचेकिंग करानी पड़ेगी जो आपके सेक और AECC के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आपके कॉलेज में ही चेक होते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स यही पूछे थे कि 15 डेज हमें कैसे पता चलेंगे कि कैसे हो 15 डेज हैं. तो जब आप रिजल्ट को डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले उसे जनरेट करते हो. तो जब वो जनरेट होता है तो वहाँ पे आप देख सकते हो आपके रिजल्ट के नीचे वहाँ लिखा रहता है कि आपका इस तारीख को आपका रिजल्ट जनरेट हुआ है. तो उस तारीख से लेकर आपकी एंडिंग तारीख जो भी है वहाँ तक आपको 15 डेज देखना है कि यहाँ से 15 डेज तक कब तक आपका है, जो कि आपके लिए इजी रहेगा. सो गाइज, मेरे जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो भीड़, यहाँ पे है साइबर कैफे की दुकान, आगे जाके ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे आप राइट साइड मुड़ोगे तो वहाँ पर है पोस्ट ऑफिस, एंड यहाँ पे एनवलप आपको लेना है यहाँ से. फिर आपको जाना है एग्जामिनेशन ब्लॉक में जो कि सामने है. सो ये है एग्जामिनेशन ब्लॉक, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म सबमिट करना है. काउंटर नंबर 1 रिवैल्यूएशन के लिए है. यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा टाइमिंग्स भी एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं. थोड़ा जल्दी आना बिकॉज यहाँ पर भीड़ हमेशा मिलेगी. सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.